हेलो दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ बिष्णुपुर की 10 सबसे अच्छी जगहों के बारे में जो कि पश्चिम बंगाल में स्थित है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नंबर 10 पर है छिन्नमस्ता टेम्पल। छिन्नमस्ता मंदिर लगभग 100 साल पुराना है। यह मंदिर शक्ति की देवी को समर्पित है। छिन्नमस्ता का अर्थ है सिर को काटना। देवी पार्वती ने अपना सिर खुद काटा था, इसलिए इसका नाम छिन्नमस्ता मंदिर पड़ गया। नंबर 9 पर है माँ मृण्मयी मंदिर। माँ मृण्मयी मंदिर देवी दुर्गा को समर्पित है। इस मंदिर में मनाई जाने वाली दुर्गा पूजा 1000 साल से भी अधिक पुरानी है। यह एक बहुत पुराना मंदिर है और विरासत में समृद्ध भी है। इस मंदिर की दुर्गा पूजा में शामिल होने देश भर से पर्यटक आते हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें। नंबर 8 पर है राजबाड़ी। बिष्णुपुर के मल्ला शाही परिवार और मृण्मयी मंदिर के संरक्षक ने अपने पैतृक घर में खुद को गोली मार ली थी, जिसे राजबाड़ी के नाम से जाना जाता है। यह घर अब खंडहर में तब्दील हो चुका है। राजबाड़ी के मुख्य द्वार के बाहर खेल का बड़ा सा मैदान है। नंबर 7 पर है रसमंच। रसमंच बिष्णुपुर में सबसे पुराना पिरामिड टावर के आकार का ईंट स्मारक है। इस मंदिर को राजा भीरमवीर द्वारा बनवाया गया था। मंदिर में एक आंतरिक कक्ष है जिसमें राधा कृष्ण की मूर्तियां हैं। यहां पर 1935 तक वैष्णव रास उत्सव आयोजित किया जाता था। बाद में इसे स्मारक में बदल दिया गया। नंबर 6 पर है राधा श्याम टेम्पल। राधा श्याम मंदिर देश भर से पर्यटकों को आकर्षित करता है। यह मंदिर कृष्ण की पूजा के लिए प्रसिद्ध है। मंदिर को राजा चेतन सिंह ने 1758 में बनवाया था। मंदिर के प्रवेश द्वार के आगे और पीछे की सतह पर शानदार नक्काशी की गई है। नंबर 5 पर है दलमदल कैनन। स्तूप ने बिष्णुपुर के स्थानीय शासकों को मराठों के हमलों से कई बार बचाया है। तोप की लंबाई 3.84 मीटर है और इसका बैरल 28.5 सेंटीमीटर है। स्तूप को छिन्नमस्ता मंदिर से मुख्य शहर के रास्ते में प्रदर्शित किया गया है। नंबर 4 पर है कालाचंद टेम्पल। कालाचंद मंदिर एकल मीनार वाला मंदिर है। यह मंदिर जंग लगे रंग के लैटराइट से बना हुआ है। मंदिर की छत ठेट बंगाली चाला प्रकार की है। इस मंदिर को कृष्ण लीला की पौराणिक कथाओं से सजाया गया है। मुख्य मंदिर के चारों ओर एक परिक्रमा गलियारा है। नंबर 3 पर है मदन मोहन टेम्पल। मदन मोहन मंदिर को राजा दुर्योधन सिंह ने अपने पारिवारिक आराध्य भगवान कृष्ण और राधा के सम्मान में बनवाया था। मंदिर की दीवारें रामायण और महाभारत की कहानियां कहती हैं। यह मंदिर इस क्षेत्र में सबसे प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है। नंबर 2 पर है जोर बांग्ला टेम्पल। जोर बांग्ला मंदिर को केस्तोराय मंदिर भी कहा जाता है। यह मंदिर देखने में ऐसा लगता है जैसे कि दो झोपड़ियों को आपस में जोड़ दिया गया है। मंदिर की दीवारों और छतों पर जटिल टेराकोटा का काम किया गया है। और अब नंबर 1 पर है श्यामराय टेम्पल। इस मंदिर को महाराजा रघुवीर सिंह ने 1600 के दशक में बनवाया था। यह मंदिर भगवान कृष्ण को समर्पित है। यह बंगाल की सबसे प्रसिद्ध संरचनाओं में से एक है। यह मंदिर टेराकोटा कला को प्रदर्शित करता है। दीवारों पर टेराकोटा का काम महाभारत और रामायण की कहानियों की बात करता है। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें और इसी तरह के टूरिंग प्लेस की वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।